उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है और आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की जा रही है। इससे पहले भी टिहरी जिले की विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे टिहरी जिले की विज्ञप्ति जारी की गई है। आपको बता दें कि आयु में 6 महीने की छूट दी गई, जिसके कारण से इनमें एक बार फिर से संशोधन किया गया विज्ञप्ति में और दोबारा से ये फॉर्म निकाले गए हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे में वे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था या फिर वे ऐसे अभ्यर्थी जिनका फॉर्म रह गया था, छूट गया था, वो अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने ऑलरेडी पहले से ही आवेदन कर दिया है उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, समय पर नहीं पहुंचा था, वे अभ्यर्थी दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल नई टिहरी। तो इसी प्रकार से सभी जिलों की संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली जा रही है, और इससे पहले आपको बता दें कि बागेश्वर की भी निकाल दी गई है और पौड़ी की भी निकली हुई है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा की निकली हुई है और ये टिहरी की है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आदेश संख्या जो है वो 2686 यहाँ पर दिया गया है, विज्ञप्ति संख्या जो कि यहाँ पर दी गई है, और आप देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया इस कार्यालय की आदेश संख्या जो कि यहाँ पर दिया गया दिनांक 19 नवंबर 2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवानिवृत्ति 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक वेतनमान 35,400 से लेकर के यहाँ पे दिया गया 1,12,400 लेवल 6 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, और यहाँ पर अब जो है इसमें संशोधन किया गया है और आप जो है यहाँ पर इसके लिए दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक ना हो, और आरक्षित वर्ग को यहाँ पर छूट भी दी जाएगी एज में, जैसे कि यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा जो अन्य शर्तें हैं फॉर्म भरने की, वो पूर्व की भांति ही लागू हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है जिनके यहाँ पे 50% से कम थे, तो वो अभ्यर्थी भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ ही आवेदन पत्र भर करके भेजने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी 2021 रखी गई है। तो 20 जनवरी 2021 शाम 5 बजे से पहले पहले आपका फॉर्म जो है कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, इसके बाद आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पूरी जानकारी हमने पहले भी आपको बताया है कि कैसे किस प्रकार से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जिस प्रकार से इसमें किस प्रकार से यहाँ पे 30 रुपये का अतिरिक्त एक डाक टिकट भी लगाना है, तो ये पूरी जानकारी हमने पहले भी आप दी है, तो आप किसी भी वीडियो में आप वहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम टिहरी जिले की पिन कोड की बात करें तो टिहरी जिले की जो पिन कोड है वो यहाँ पे 249001 है, इस प्रकार से आप यहाँ पे पिन कोड भी नोट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पर आवेदन पत्र मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं टिहरी का फॉर्म है, और आप जो है इस फॉर्म को यहाँ पर भर करके भेज सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पूरा फॉर्म यहाँ पर हमने यहाँ पर डाला हुआ है, तो आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म अलग अलग फॉर्मेट के हैं, किसी में यहाँ पे गुणांक वाला दिया गया है तो किसी में गुणांक नहीं दिया गया है, तो उसी आधार पर हमने यहाँ पे फॉर्म भी बनाया हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म आया हुआ है, तो आप जो है इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।